गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वो कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियो में हम उस चैप्टर की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिखी है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। तो डिस्कस करते हैं। इसमें पहली प्रॉब्लम है, दो लेंस एक्स और वाई की संयुक्त समता 5 डायोप्टर है। अगर एक्स की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वाई की फोकस दूरी बताइए। कोई दो लेंस है, दो लेंस एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, और इन दोनों की एक्स प्लस वाई की समता मतलब पावर दोनों की जोड़ के कितनी है, 5 डायोप्टर है। कहता है कि एक्स की फोकस दूरी, इस एक्स की फोकस दूरी दे दी उसने कितनी, 15 सेंटीमीटर। एक्स की फोकस दूरी कितनी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है एक्स की, तो वाई की निकालो ये पूछ रहा है। अब हमें पता है कि मान लो एक्स की समता P1 है और वाई की समता P2 है, दोनों की संयुक्त कितनी, 5, ये दे रखा उसने। अब हमें पता है कि समता जो होती है पावर वो फोकस दूरी का उल्टा होती है। P1 की जगह अगर हम लिखे 1 by F1 मतलब इसकी फोकस दूरी जिसकी समता P1 है, उस फोकस, उस लेंस की फोकस दूरी F1 मतलब X की, प्लस 1/F2 ये किसकी फोकस दूरी, Y की फोकस दूरी है, दोनों का कितना मान है, 5। अब इनमें से उसने X की तो दे दी, इस X वाले मतलब F1 को उसने दे दिया, तो 1/X1 की जगह F, ये फोकस दूरी दे रखी है X वाले 15, तो 15 रख दिया हमने, प्लस 1/F2 बराबर है 5, 5/1 लिख सकते हैं हम। जो निकालना है उसको एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड, तो ये हमने निकालना है, तो 1/F2 ये इस साइड रखो, ये उस साइड जाके माइनस तो हो जाएगा, 5/1 माइनस 1/15, ठीक है, तो 15 LCM, इन दोनों का 15 LCM आ गया, तो 5 की 15 नहीं, 75 आ जाएगा, और ये आ जाएगा, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई इसमें, एक्स की फोकस दूरी, तो ये ना भाई 1/F2 बराबर है 5/1 - 1/15, ठीक है। तो देखो ये जो 15 है ये सेंटीमीटर में, और हमें पता है जब भी लेंस की समता निकालनी होती है वो फोकस दूरी मीटर में लेनी पड़ती है, तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर इसके बटे 100 करना पड़ेगा, तो 1/F2 बराबर है 5/1 - 1/15/100 आएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा, ठीक है। LCM दोनों का 15 आ गया। अब ये आ गया 75, ये आ गया 100, कितना 1/F2 बराबर है -25, 100 में 75 के माइनस के होगी, बटे 15, ये मीटर में है, ठीक है, मीटर में, और इसको सेंटीमीटर में बदले, इसका F2 निकालेंगे, तो F2 उल्टा करो, F2 बराबर है 15/25 हो जाएगा, F2 बराबर 15/25 माइनस, और ये मीटर में है, सेंटीमीटर में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 100, 15 × 60 -60 सेंटीमीटर, ये आ गई इसकी फोकस दूरी, आ गई y वाले की फोकस दूरी, ठीक है। अब दूसरा, इसमें दूसरा प्रश्न है, एक निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करता है, उसकी समता क्या होगी।
निकट दृष्टि दोस्तों आपकी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, देखो लिख दिया इसमें अवतल लेंस प्रयोग करता है, फोकस दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, माइनस में आएगी क्योंकि अवतल लेंस की बात कर रहा है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, क्षमता मतलब पावर निकालेंगे, पी बराबर होता है 1/f, ठीक है, तो एफ उसने दे दिया 50 सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलने के लिए 50/100 करना पड़ेगा, तो 1/f की जगह 50/100 लिखेंगे, 50/100, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 100 चलाएगा, नीचे 50/100, तो -2 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन, अब है थर्ड क्वेश्चन, कोई वस्तु लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, मतलब वस्तु रखी हुई है, तीसरे के लिए निकाल रहे हैं, वस्तु रखी है 50 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब यू दे दिया -50 क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में आती है, और 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वी भी दे दिया 10 सेंटीमीटर आभासी प्रतिबिंब, लेंस की बात कर रहा है, देखो आभासी प्रतिबिंब हमेशा अवतल लेंस में बनता है, तो और अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में ही बनेगा, हमें पता है, तो ये भी माइनस का ही आएगा, आभासी प्रतिबिंब, लेंस की फोकस दूरी तथा आवर्धन ज्ञात करें, एक तो निकालना है एफ, एक निकालना एम, ठीक है, और इसके लिए एक किरण आरेख भी बनाइए, तो लेंस सूत्र लगाएंगे हम, 1/f = 1/v - 1/u, अब 1/f = 1/v, वी का मान -10, वी का मान -10 दे रखा है, 1/-10 माइनस 1/u का मान, यू का मान -50 दे दिया, तो 1/f 1/-10 -+ 1/50, एलसीएम कितना आया 50, 10 × 50 -5+ ये आ गया 1, ठीक है, तो -4/50, तो f कितना आ गया, उल्टा कर दो इसका, तो f कितना आया 50/4 माइनस का 2 से 25, तो 25/2 माइनस इतने सेंटीमीटर, मतलब क्या निकला 12.5 सेंटीमीटर माइनस, ये फोकस दूरी उसकी आ गई, अब हम निकालेंगे क्या उसका आवर्धन, और आवर्धन के लिए हमें पता है आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर है h - h या माइनस का v/u दर्पण के लिए, और v/u वो होता है लेंस के लिए, तो ये तो दे ही रखा, इसको उठा लो, m बराबर है v का मान कितना -10, u का मान कितना -50, ठीक है, 0 0 कितना हो गया +1/5, 1/5 का मतलब 0.20, मतलब देखो 1 से कम, m का मान 1 से कम आया है, तो 1 से कम आने का मतलब क्या, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, और 1/5 आया, 1/5 का मतलब है प्रतिबिंब वस्तु के साइज से 5 गुना कम है, और m का मान प्लस में आया है, देखो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, हम पढ़ चुके हैं, अगर आवर्धन का मान प्लस में आ जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक सॉरी आभासी बनता है, इसके लिए किरण आरेख खींचेंगे, किरण आरेख, तो आभासी प्रतिबिंब हमें पता चल गया, ये तो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस, तो अवतल लेंस बनाएंगे किरण आरेख खींचने के लिए, मुख्य अक्ष बना देंगे, ठीक है, फोकस दूरी आई थी कितनी 12.5, मान लीजिए f1 है, ये 2f1 है, 2f1 का मतलब क्या है भाई, ये 12.5 है, ये भी 12.5 है, टोटल कितनी होगी, ये होगी 25 सेंटीमीटर यहाँ तक, 2f1 तक, उसने कहा है 50 सेंटीमीटर कोई वस्तु लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, देखो 50 सेंटीमीटर यहाँ तक 25 होएगा, तो 25 और आगे ये प्रकाशीय केंद्र, तो वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, अब हमें पता है
जो समानांतर प्रकाश की किरण आएगी वो ये जाएगी, पढ़ चुके हम, प्रकाश की कोई किरण अगर प्रकाश के केंद्र से जाती है तो वो सीधे निकल जाएगी, आप देखो ये एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, लेकिन अगर हम इनको पीछे बढ़ाएंगे ये इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिबिंब यहाँ इस बिंदु पे बनेगा, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में ही बनता है, तो इसमें बन गया है, ये इसका किरण आरेख है। अब चौथा क्वेश्चन है इसमें 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस की बात करी है तो इसका मतलब है उत्तल लेंस होगा, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दी 12 सेंटीमीटर और अभिसारी है तो उत्तल है, उत्तल है तो प्लस में आएगी, का आवर्धन, आवर्धन का मान दे दिया माइनस एक, देखते ही समझ जाओ माइनस में है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, मतलब यू निकालना है, हमें यू निकालना है, प्रतिबिंब प्राप्त करना है कितना -1, तो वस्तु को कहाँ रखा जाए, देखो हमें आवर्धन के दो सूत्र पता है, आवर्धन के दो सूत्र, एम का मान वी बटे यू, तो एम का मान दे रखा -1, तो ये तो लागू नहीं होगा भाई इसमें, क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई सी भी वैल्यू नहीं दी गई है। तो दूसरा सूत्र देखो, हम लेंस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसी सूत्र से देखो -1 बराबर है वी बटे यू, -1 वी बटे यू। अब -1 आवर्धन प्राप्त करने के लिए हमें ये दोनों अगर ऐसे रखो एक, तो इनको अगर हम आर पर मल्टीप्लाई करें तो वी बराबर है -u, ये आ जाएगा, मतलब दोनों की दूरी समान होनी चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी भी और वस्तु की दूरी भी। इस सूत्र से हमें यह प्राप्त हुआ कि v और u दोनों बराबर होने चाहिए, तो रखा कहाँ जाएगा, जितनी दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा उतनी दूरी पे ही वस्तु को रखा जाएगा। आप देखो 1/f बराबर है 1/v -1/u। अब 1/f, एफ उसने दे दिया 1/12, प्लस में आएगा क्योंकि उत्तल लेंस है। अब 1/v है, वी और यू दोनों बराबर ही है, वी और यू दोनों बराबर है, तो हम वी की जगह यू भी रख सकते हैं, तो यू माइनस का, देखो वी बराबर है माइनस का यू, ये रख दिया माइनस का 1/u, ये आया। अब 1/12 बराबर एलसीएम ले लो दोनों का, ये भी माइनस का ही है, तो यू हो गया कितना, हो गया माइनस का एक ऊपर माइनस का 1/u, 1/12 बराबर माइनस का 2/u, मल्टीप्लाई करो आर पर गुणा करो, कितना हो गया यू बराबर है 12 × -2 × 24 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु को 24 सेंटीमीटर दूरी पे रखना पड़ेगा और प्रतिबिंब 24 सेंटीमीटर दूरी पे रखना पड़ेगा, तभी हमें आवर्धन -1 प्राप्त होगा, ठीक है भाई, ये होगा।
नहीं लास्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक था भैया। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन करते हैं हम, कोई 7 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु मतलब एच दे दिया 7 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, एक उत्तल लेंस है और इससे 12 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, मतलब वस्तु की दूरी दे दी -12 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी हमेशा ही माइनस में आएगी तो 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, लेंस की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी दे दी 8 सेंटीमीटर क्योंकि उत्तल लेंस है तो प्लस में लेंगे 8 सेंटीमीटर दे रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब स्थिति ज्ञात करो वी निकालना है, उसकी प्रकृति आभासी है या और प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश निकालना है। ठीक है भाई, अब देखो फोकस दूरी दे दी और यू भी दे रखा है तो वी तो हम लेंस सूत्र से निकाल सकते हैं, 1/f = 1/v - 1/u, 1/f का मान दे रखा है 8, 1/v निकालना है माइनस 1/u, यू कितना 1/-12, ठीक है 1/8 = 1/v -+ 1/12 याद है 1/v, इसको एक साइड रखो 12 इस साइड आ जाएगा, 1/12 इस साइड आ जाएगा, 1/8 माइनस का 1/12, अगर हम इनके एलसीएम ले ले 24 आ गया एलसीएम, 8 + 24 और बाद में 24 तीन में से 2 है 1/24, तो 1/v = 1/24, 1/v = 1/24, तो v बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर, देखो प्लस में आया, प्लस में आने का मतलब क्या है प्रतिबिंब राइट हैंड साइड में बनेगा, आवर्धन क्या निकालना और एच डैश निकालना है, एच डैश देखो आवर्धन का सूत्र होता है h - h = v / u, ये होता है, ये हटा दो h - h = v / u, ये रखो एच डैश निकालना है, ये तो यू का यू एच डैश, एच का मान दे रखा कितना 7 सेंटीमीटर बराबर, v का मान हमने निकाल लिया 24, u का मान निकालो कितना माइनस के 12, ठीक अब 12 × 24 ये आ गया 2 माइनस का, और h डैश बराबर है 7 × 14 -14 सेंटीमीटर, -14 सेंटीमीटर का मतलब क्या माइनस एच डैश माइनस में आया तो मतलब क्या है प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा, इसलिए एच डैश माइनस में आया है, और इसका आवर्धन अगर निकाले हम, आवर्धन इसमें आवर्धन एम बराबर है एच डैश का मान -14 / h का मान कितना 7 × 14 तो -2 आ गया आवर्धन -2, ठीक है भाई इस तरह से कैलकुलेट करना है। उसके बाद है छठा क्वेश्चन है इसमें, किसी वस्तु को उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, कोई उत्तल लेंस है फोकस दूरी है इसकी 10 सेंटीमीटर और मुख्य 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, उससे पहले रखा 8 सेंटीमीटर दूर, फिर रख दिया 15 सेंटीमीटर दूर, फिर रख दिया 20 सेंटीमीटर दूर, ठीक है फिर 25 सेंटीमीटर दूर, किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, कहता है कौन सी स्थिति में प्रतिबिंब अत्यंत छोटा तथा वास्तविक बनेगा, देखो हम पढ़ चुके हैं जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब या F2 पे बनता है अत्यंत छोटा होता है, उसके बाद जब ये 2F2 है, जब वस्तु 2F1 से परे होती है, देखो ये इसकी फोकस दूरी 10 है ये भी 10 होगी तो टोटल कितनी होगी 20, जब हमें पता है जब वस्तु 2F1 पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब 2F2 पे बनता है और समान साइज का बनता है उसी साइज का, उसने कहा छोटा कब बनेगा, छोटा और वास्तविक अत्यंत छोटा, इसका मतलब है जब इस पे रखते हैं तो समान साइज का बनता है
अत्यंत पर अत्यंत छोटा बनता है, अत्यंत इससे परे रखेंगे तो छोटा बनेगा। तो 10 और 10, 20 तो यही होगी, मतलब यहाँ नहीं रखना, इसे पीछे रखोगे तो छोटा बनेगा, छोटा और वास्तविक। तो मतलब 20 से ज्यादा पे रखना पड़ेगा तब प्रतिबिंब छोटा और वास्तविक बनेगा। इसका मतलब 20 पे 25 सेंटीमीटर दूरी पे तुम रखोगे तो प्रतिबिंब छोटा और वास्तविक बनेगा। उसके बाद बड़ा तथा वास्तविक। अब हमें पता है प्रतिबिंब अगर वस्तु इस पे रखी है 2f1 पे, 2f1 का मतलब है 10 ये 10 ये 20 सेंटीमीटर पे अगर रखी है तो प्रतिबिंब समान साइज का बनता है, यहाँ बनता है 2f2 पे समान साइज का। लेकिन अगर इससे आगे खिसका देते हैं हम तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो जाता है। यहाँ पे रखते हैं तो प्रतिबिंब देखो यहाँ रखोगे 10 सेंटीमीटर दूरी पे, फोकस पे रखते हैं तो अनंत पे प्रतिबिंब बनता है, यहाँ रखते हैं तो 2f2 पे बनता है, ठीक है, समान साइज का बनता है। अब उसने कहा भाई समान साइज का भी नहीं बनाना, बड़ा बनाना है और वास्तविक बनाना है। इसका मतलब है इस पे रखने से अनंत पे बनता है, इस पे रखने से यहाँ समान साइज का बनेगा 2f2 पे, ठीक। तो रखे कहाँ पे फिर उसको, तो इसका मतलब है इसके और इसके बीच में रखो। क्यों? क्योंकि इस पे रखने से तो समान साइज का बनता है, बड़ा नहीं बनेगा। इस पे रखने से बड़ा तो बन जाएगा लेकिन अनंत पे बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा। तो अनंत तो इसमें दे ही रखा, तो कहने का मतलब क्या है, इसके और इसके बीच की दूरी 10 तो यहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी 20, तो इसके बीच में कहीं भी वो 10 से अधिक ही होगी, और 10 से अधिक कौन सी है, 15 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम 15 सेंटीमीटर पे रखे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यहाँ बन जाएगा नीचे 2f2 से परे, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। फिर कहता है कि बड़ा तथा आभासी कब बनेगा। हमें पता है कि उत्तल लेंस में एक स्थिति ऐसी होती है जब प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है, वो कौन सी होती है, जब वस्तु को मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं। अब ये तो फोकस दूरी 10 है, इसका मतलब है 10 से कम पे रखना पड़ेगा, 10 से कम कौन सा, 8 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। फिर कहता है कि समान साइज का कब बनेगा, समान साइज का कब बनता है, जब वस्तु 2f1 पे होती है, और 2f1 कितनी होगी, 10 ये होगी, 10 ये होगी 20, तो 20 सेंटीमीटर पर रखोगे तो प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की कोई किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है। देखो कोई कांच है, वायु से प्रकाश की कोई किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो उसका अपवर्तनांक 3/2 है। मतलब कांच के लिए वायु से मान लेते हैं एन, ए एयर, और कांच के लिए जी लिख दिया ग्लास, तो अपवर्तनांक किसका, ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर नहीं, एयर, ए कितना है दे रखा उसने 3/2। ये है कि प्रकाश की कोई किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो कांच का अपवर्तनांक कितना, 3/2। अगर इससे उल्टा हो जाए, मतलब कांच से वायु में प्रवेश करे तो अपवर्तनांक कितना होगा, हम पढ़ चुके हैं, एक बात हमने पढ़ी थी, जब माध्यम एक से अपवर्तनांक माध्यम दो का एक की तुलना में वो उल्टा होता है, किसका, अपवर्तनांक माध्यम एक का दो की तुलना में इसका उल्टा होता है, ये मैंने वीडियो में बताया था, ठीक है। तो अगर हम, ये है ग्लास का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक वायु की तुलना में एयर, ग्लास किसकी तुलना में, एयर की तुलना में 3/2 है, तो एयर का एन ए जी, तो क्या होएगा, ये सूत्र देख लेते हैं, एन जी ए दे रखा उसने 3/2, और अगर हम एयर का निकालना चाहें तो वो इसका उल्टा होगा, एन ए जी वो क्या होगा, 1/3/2 ये होएगा, 1/3/2, तो ये पलट जाएगा 2/3, ठीक है। देखो ये 2/3 है तो इसको हो सकता है वो 4/6 लिख दे,
तो 4/6 और 2/3 की बात करें, ये 2 × 4 2 × 3 6 ऐसे कट जाएगा। ठीक है, उत्तर में 4/6 भी मिलेगा क्योंकि इसमें उत्तर में 4/6 ही था, तो उसका उल्टा कर देना है। ये हम पढ़ चुके हैं, सूत्र है ये कि एक माध्यम का दूसरे माध्यम की तुलना में निकालना है, तो उसको उल्टा करेंगे। उसके बाद 8वां है, एक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का बिंब, वस्तु की ऊंचाई दे रखी है h 5 सेंटीमीटर और वस्तु ऊंचाई हमेशा प्लस में लेते हैं, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या मतलब r दे दी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है कोई, उत्तल दर्पण ऐसे इसके सामने इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी हुई, ये फोकस है, ये सी है, तो कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के सॉरी उत्तल दर्पण है नोट उत्तल दर्पण है अवतल दर्पण बना दिया मैंने, उत्तल दर्पण ऐसे आएगा ये आएगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या इस साइड होगी, ये मुख्य फोकस होगा, ये सी होगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ये वाली होगी कितनी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हमें पता है भाई आर की, ये तो राइट हैंड साइड में है तो इसका मतलब प्लस में ही आएगी, और हमें पता है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है आर बराबर 2f होती है, तो आर का मान 30 है, 2f, f का मान कितना है 30/2 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई है दर्पण की, फोकस दूरी। और इसके उत्तल दर्पण के सामने एक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो वस्तु की दूरी दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर, ये तो हमेशा माइनस में ही आएगी, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो हमें निकालना है वी, ठीक है, हमें निकालना है एच डैश, तो हमारे पास तो यू है और फोकस दूरी है, तो हम दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u यू है ये, 1/f, f का मान 15 प्लस में ही है क्योंकि उत्तल दर्पण है, उसके बाद v निकालना है और u माइनस का 1/u। ठीक है भाई, यू 1/15 1/v, यू का मान कितना देखो यू सॉरी ये प्लस में था ना, तो प्लस 1/u कितना 1/10 1/10। अब वी निकालना है, वी को साइड रखो 10 को इस साइड ले आओ, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो ये माइनस इस साइड होगा तो प्लस हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v, दोनों का एलसीएम 30, 15 × 30 प्लस 10 × 30 3 × 2 = 5 1/v 3 × 2 = 5 5/30 बराबर 1/v 5 × 30। ठीक है, 1/6 बराबर 1/v, वी निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, वी बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो प्लस में आया, प्लस के वी आया है, तो मतलब प्रतिबिंब लेफ्ट हैंड साइड में बनता है, ये हो गया, तो वी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, वी आ गया भाई 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है उसमें, h डैश बटे h पता है हमें दर्पण सूत्र में माइनस का वी बटे यू होता है, एच डैश निकालना है, एच दे रखा 5 माइनस वी का मान अभी निकाला मैंने 6, यू का मान दे रखा है माइनस का 10। ठीक है, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एच डैश बराबर 5 साइड चला जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 × 6/10 तो 5 × 10 2 × 6 प्लस का 3 प्लस का 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एच डैश वस्तु का साइज आ गया 3 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब छोटा बना, क्यों, क्योंकि वस्तु थी 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कितना बना 3 सेंटीमीटर, तो एच आ गया 3 सेंटीमीटर। आवर्धन निकाल सकते हो तुम,
आवर्धन m बराबर है h डैश बटे h, h कितना था, h डैश कितना था 3, h कितना देगा 5, तो कितना आ जाएगा 0.6 आवर्धन आ गया इसका, तो आवर्धन निकाल लिया। अब है लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 कि कोई एक सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु अवतल दर्पण के सामने, कोई अवतल दर्पण है ऐसे, ठीक है ये अवतल दर्पण है, इसके सामने एक सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, एक सेंटीमीटर ऊंचाई h बराबर है एक सेंटीमीटर, कि एक सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, तो u दे दिया -15 सेंटीमीटर, u हमेशा माइनस में ही आएगा, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण है, तो f माइनस में आएगा -10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो भाई हमने क्या ज्ञात करना, v ज्ञात करना है और h डैश ज्ञात करना है, तो दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f, f का मान -10, 1/v प्लस 1/u का मान -15, ठीक है -15 को इस साइड ले आओ, तो 1/v बराबर ये इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का 1/10 प्लस का 1/15, ठीक है एलसीएम कितना आ गया 30, 30 एलसीएम, 10 किया 30 माइनस का 3 और प्लस का 2 हो गया, तो 1/v बराबर है 3 × 2 का माइनस का 1/30 और v आ गया 30 माइनस का, ठीक है भाई माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये आ गई प्रतिबिंब की दूरी। अब हमें क्या निकालना h डैश, हमें पता है h डैश बटे h बराबर होता है माइनस का v बटे u, h डैश निकालना है, h का मान दे रखा है 1 माइनस v का मान हमें निकाल लिया -30 बटे u का मान निकाल लिया -15, ठीक है h डैश बटे 1 बराबर। अब देखो 2 माइनस से प्लस हो जाएगा तो 1 माइनस बच जाएगा, माइनस का 15 × 30 माइनस का 2, ये 1 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h बराबर है माइनस का 2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई माइनस का 2 सेंटीमीटर h डैश, माइनस h डैश माइनस में आने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है उल्टा बनेगा। m निकालेंगे, m हमें पता है m h डैश बटे h, h डैश का मान आया था -2 और h का मान था 1, तो m का मान आ गया -2, माइनस आवर्धन माइनस में आने का मतलब क्या, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा,